नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग हमारी स्क्रीन के पीछे एक लेख देख रहे हैं, और वो लेख बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वैश्विक मंदी के बीच आगे बढ़ती भारतीय आर्थिकी। और ये लेख बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने इस लेख से संबंधित चीजें आपसे डिस्कशन करने की बात रखी कि डिस्कशन किया जाए। एक्चुअली मैं ये लेख जो लिखा गया है उसमें थोड़ा सा आईएमएफ की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है उससे संबंधित है, और इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर इस लेख को, क्योंकि इस लेख में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। ये लेख प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस लेख से मिलकर और आईएमएफ की रिपोर्ट के बेस्ड पर एक प्रश्न बनाया है मुख्य परीक्षा के लिए। और हमने सोचा है कि इसी तरह से हम आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए, और मुख्य परीक्षा से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं वो समझ विकसित करें आपकी, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी यही कहता है क्या कि मुझे नहीं समझ में आता है कि इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न मीन्स में किस तरह से बन जाते हैं सर, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब मैं मीन्स लिखने जाता हूं। तो इन रिपोर्ट से कैसे प्रश्न बनते हैं, जो सामग्री हमारी बाजार में है उससे कैसे प्रश्न बनते हैं, जो करंट की न्यूज आ जाती है उससे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम उसी पर फोकस्ड होकर अब क्लास जो है हम डालते रहेंगे आप लोगों के लिए, कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर क्लास लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वास्तव में क्या है कि भारत वैश्विक मंदी के बीच बढ़ती भारतीय आर्थिकी उसको दिखाया गया है। लेकिन ये लिखा क्यों, क्योंकि आईएमएफ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और उस आईएमएफ की रिपोर्ट में आपको आश्चर्य होगा कि वैश्विक परिदृश्य को भी दिखाया गया है और भारतीय परिदृश्य को भी दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारतीय परिदृश्य की आर्थिक जो विकास दर है क्या है और वैश्विक विकास दर क्या है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न को बना दिया जाए जो आप लोगों के लिए कामगार साबित हो जाए यहां। तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या हो सकता है उस पर फोकस्ड होकर हम लोग अब देख लेते हैं यहां पर कि क्या मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो देखो, मैंने एक प्रश्न बना दिया है आप लोगों के लिए। वर्तमान वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मंदी अधिक व्यापक और अपेक्षा से अधिक तीव्र है, ठीक है। इसका मतलब है कि आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है कि मंदी बहुत अधिक व्यापक हो रही है और अपेक्षा से बहुत तेजी से बढ़ रही है, समझने की जरूरत है, ठीक है। इस संदर्भ में आईएमएफ के द्वारा दिए गए सुझावों की चर्चा कीजिए, आईएमएफ ने क्या सुझाव दिए हैं उसकी चर्चा करना है। तो हमने भी सोचा कि इस प्रश्न का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए, कि इस तरह से प्रश्न बन जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। अब सबसे पहले तो क्या है कि ये आईएमएफ को जान लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में बनने वाला एक संस्था है, और इसकी जो स्थापना है वो अगर देखा जाए तो 1945 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और भारत इसका प्रारंभिक रूप से ही सदस्य है, अर्थात स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने का कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें कोई भी असंतुलन अगर हो तो उस असंतुलन की स्थिति में जो सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक मदद की जाए। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो आज वर्तमान में इसमें 189 सदस्य देश हैं, और उनकी आर्थिक गतिविधियों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आईएमएफ वहां पर मदद करता है। इसका वास्तव में प्राथमिक उद्देश्य देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है, और ये रिपोर्ट कहलाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट।
अब देखो यहां पीटी में क्वेश्चंस बना हुआ है, इसलिए सावधानी से आपको देखकर चलना है। और ये एक रिपोर्ट जो है वो एक सर्वेक्षण है आईएमएफ का, जो वैश्विक स्तर के संदर्भ में दिया जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कितनी गति से बढ़ेंगी, क्या उनमें प्रॉब्लम्स आएगी, उनको क्या करना चाहिए, इस तरह की बातें इसमें प्रकाशित होती हैं। एक अप्रैल, वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में ये प्रकाशित की जाती है। और वास्तव में क्या है कि ये भविष्य की भविष्यवाणियां भी करती है उस देश के लिए कि भाई आगे भविष्य में क्या होगा। अब इस रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई उसमें क्या है कि तीन चीजों पर फोकस्ड होकर काम किया गया है ज्यादातर, है तो बहुत सी चीजों पर लेकिन तीन चीजों पर फोकस्ड होकर भविष्यवाणियां की गई। एक तो वैश्विक परिदृश्य को दिखाया गया है, दूसरा मुद्रा स्फीति को दिखाया गया है और तीसरा भारतीय परिदृश्य को इस रिपोर्ट में दर्शाया गया। ठीक है, अब देखो वैश्विक समृद्धि के संदर्भ में कहा गया है वर्ष 2021 के 6% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% तक कमी होने का अनुमान लगाया गया। तो वैश्विक परिदृश्य अगर देखा जाए तो उसकी आर्थिक गतिविधि, आर्थिक एक तरह से समृद्धि को कमी होने के अनुमान के साथ में ये प्रस्तुत की गई है। ठीक है, मुद्रा स्फीति के संदर्भ में कहा गया है क्या, 2021 में 4.7%, 2022 में 8.8% और 2023 में 6.5% और 2024 तक कितना 4.1% होने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट। तो मुद्रा स्फीति को भी कम करने की बात की गई। इसके अलावा इसमें क्या है, भारत की जीडीपी की वृद्धि की बात की गई। तो उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी 2022 में भारत की जीडीपी की वृद्धि 6.8% के लगभग रहेगी, संशोधन कर दिया, और भारत की समृद्धि दर 2023 में 6.1% की वृद्धि रहने का अनुमान लगा है। मतलब भारत के लिए तो बहुत संतोषजनक स्थिति के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। क्यों संतोषजनक स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आप देख रहे होंगे कि भारत की समृद्धि दर यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्शाई गई है ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उतनी समृद्धि दर किसी भी देश की यहां पर देखने को नहीं मिले, तो भारत के लिए तो यह खुशखबरी है आईएमएफ की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो। आईएमएफ के लिए अगर देखा जाए तो भारत के लिए रिपोर्ट क्या है कि एक खुशखबरी के रूप में निकल कर आ रही है, भारत के लिए कोई भी समस्या नहीं। लेकिन अब क्या है कि प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न हमारा यहां पर क्या कहता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न तो अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है क्या, इस संदर्भ में आईएमएफ के द्वारा दिए गए सुझावों की चर्चा करना, कौन सा, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी अधिक व्यापक और अपेक्षा से अधिक तीव्र है, तो इससे निकलने के लिए आईएमएफ ने क्या सुझाव दिए हैं उस पर संबंधित चीजों की चर्चा यहां पर करने की बात कही गई। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो आईएमएफ ने सुझाव दिया है चार चीजों पर फोकस्ड होकर, है तो कई सुझाव लेकिन चार चीजों पर फोकस्ड होकर उनके सुझाव ज्यादा केंद्रित हैं। पहला है मौद्रिक और राजकोषीय नीति के समन्वय की बात की गई, पहली बात की गई है मौद्रिक और राजकोषीय नीति के समन्वय की बात की गई। उन्होंने कहा है कि वास्तव में क्या है कि इस तरह की पॉलिसी बनानी होगी अर्थव्यवस्था में कि ज्यादा मांग सृजित करने वाली, अर्थात सकल मांग ज्यादा सृजित हो, इस तरह की नीतियों को क्रियान्वयन करना होगा। ठीक है, सकल मांग के सृजन के संदर्भ में नीतियों को क्रियान्वयन करना होगा। दूसरा, श्रम बाजारों को मजबूत करने वाली नीतियां लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि श्रम बाजार कोविड के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, को मजबूत करने वाली नीतियों को लेकर आना पड़ेगा, ये इस तरह की राजकोषीय नीति को लेकर आना। जीवन निर्वाह की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है उनके अनुसार, तो जीवन निर्वाह की लागत अगर लगातार बढ़ रही है तो उस कंडीशंस में हमको स्थिर मूल्य पर फोकस ढोकर काम करना होगा। मूल्य स्थिरता बहुत जरूरी है, तो मूल्य स्थिरता अगर नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इस पर फोकस ढोकर अपनी नीति को क्रियान्वयन करना हो। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय बैंक को
वास्तव में अपने प्रयासों को बड़े स्पष्ट तरीके से दिखाना होगा और उन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। अगर पुनर्परिभाषित नहीं करेंगे और केंद्रीय बैंकों को अपने उद्देश्यों को अगर स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाए यहां पर किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स की रेट हो सकती है। तो केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों को स्पष्ट प्रदर्शित करना होगा कि भैया क्या उद्देश्य से काम कर रही है वो और क्यों इस तरह की नीतियों को लागू कर रही है, इस पर फोकस्ड होकर काम करना होगा। तो पहला तो हो गया मौद्रिक और राजकोषीय नीति के समन्वय की बात, ठीक है, जिस पर फोकस्ड होकर आईएमएफ ने अपने सुझाव दिए हैं या आप ये लिख सकते हैं यहां। दूसरा मौद्रिक मुद्रा स्फीति को सीमित करना। मुद्रा स्फीति को सीमित करने के लिए क्या है कि आईएमएफ को इस तरह की मौद्रिक पॉलिसी लानी पड़ेगी कि बैलेंस शीट उसकी गड़बड़ाए ना। तो बैलेंस शीट पर फोकस्ड होकर अपनी मौद्रिक पॉलिसी को लाना होगा, पर ठीक है, फोकस होकर अपनी चीजों को लाना होगा। मतलब एक तरह से ऐसा ना हो कि हम लिबरल मौद्रिक पॉलिसी ले आए या टाइट मौद्रिक पॉलिसी ले आए, अगर हमको लग रहा है यहां पर कि हमारी बैंकिंग सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर मैं अपनी बैंक रेट या बैंक रेट को कम करता हूं, तो फिर ऐसी कंडीशंस में हमको उसी तरह के कदम को उठाना पड़ेगा और इस तरह की नीतियों को बनाना पड़ेगा जिससे केंद्रीय बैंकों के द्वारा ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो बैंक है वो हतोत्साहित हो जाए। तो उस तरह की पॉलिसी पर फोकस्ड होकर काम करना होगा। तो मुद्रा स्फीति को सीमित करते हुए हमें बैलेंस शीट पर फोकस्ड होकर चीजों को लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है क्या, समायोजन के दौरान कमजोर लोगों की रक्षा करने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई। क्या है क्या कि जीवन लागत लगातार बढ़ती जा रही है, अब निर्वाह लागत लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, कमजोर वर्ग पर फोकस्ड करते हुए काम करना हो। जब तक हम समाज के कमजोर वर्ग पर फोकस्ड होकर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। जलवायु नीतियों की भी बात इसमें कही गई और जलवायु नीतियों के लिए यहां पर कहा गया है कि आज जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और उस जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है, आर्थिकी पर पड़ रहा है और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को क्या है कि अपनी आर्थिकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग करके आर्थिकी को स्ट्रॉन्ग करके अपनी नीतियों को बनाने की आवश्यकता। एक बात और कही गई कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है उस पर भी ध्यान केंद्रित करना हो। अगर देखा जाए तो आज वैश्विक तापन जो है उसको लगभग 25% कम करने की आवश्यकता है। कितना, वैश्विक तापन को 25% कम करने की आवश्यकता। कम करने की आवश्यकता है, इस पर फोकस्ड होकर काम करना हो और कम कार्बन उत्सर्जन पर काम करके हमको अपनी नीतियां बनानी हो और कम कार्बन पर फोकस्ड होकर जब काम करना होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित नीतियों को लागू करना होगा, ईंधन पर आधारित नीतियों को लागू करना होगा, इस तरह की पॉलिसी को लागू करते हुए चीजों को लाना होगा। तो इसी पर फोकस्ड होकर आईएमएफ ने अपनी नीतियों को लागू किया। आप बड़े आराम से लिख सकते हैं हमने जो जो पॉइंट बताए हैं और जो जो पॉइंट बताए हैं उस पर अगर आप फोकस्ड होकर यहां पर लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा।
आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो हम रिपोर्ट भी लाएंगे, क्वेश्चंस भी आप लोगों के देते रहेंगे, और आप देखिए दैनिक जागरण का वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दैनिक जागरण का आपको राष्ट्रीय संस्करण जो है उसका ये लेख पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन में अवेलेबल रहते हैं, आप डालिएगा फ्री डाउनलोड न्यूज़पेपर तो आपको वो पेपर मिल जाएगा, और आईएमएफ की रिपोर्ट आपको देख लेनी है। हमने फोकस्ड होकर आपको प्रश्न पर किस पर केंद्रित होकर लिख देना है, आपको मैंने बता दिया है, और यहाँ पर इसी तरह से हम छोटे छोटे एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए रिपोर्ट के बेस पर लाते रहेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं स्टॉप होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।